गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं गुड मॉर्निंग संजय मिश्रा, आपके एसएससी अड्डा पर आपके लिए क्लास जो शुरू होने वाली है यहाँ पर, वो है आपकी लाइफपाल की क्लास है, जिसमें ग्रामीण विकास के बारे में हम लोग लास्ट 4 डेज से क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक और शो आपका जुड़ने जा रहा है, जिसमें हम ग्रामीण विकास और उसके परिवेश के बारे में बातें करेंगे। आज का जो हमारा मेन मुद्दा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर होगा, और कुछ आपकी जो ग्रामीण संबंधी जो आपकी योजनाएं हैं उनसे संबंधित होंगे। सारे जो क्वेश्चंस होंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जल्दी से आप लोग जो जो चुके हैं वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इसको, और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दें। मैं भी अपने सभी ग्रुप पर इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ, आप भी अपने सभी ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसा करते हैं बिल्कुल तरीके से आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से। जल्दी से सब लोग आ जाएँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब लोग सेशन में जुड़ चुके हैं। आई होप बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी लोग आ चुके हैं। जल्दी स्टार्ट कर दें पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आ चुका है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1 हेक्टेयर में, जल्दी क्वेश्चन, हेलो पवन, बिल्कुल सर जल्दी आ जाए। 1 हेक्टेयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 हेक्टेयर में कितने निम्नलिखित में से पूछा गया, 1 हेक्टेयर का मात्रा कितना होता है, निम्नलिखित में से कितना होता है, जल्दी बताएं, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है, जल्दी। हाय गुड मॉर्निंग सर प्रतीक्षा में, बिल्कुल हाय गुड मॉर्निंग पवन सर, हेलो। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और आगे इसको फॉरवर्ड कर दें, जुड़ जाएं और देखें 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताएं 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। 1 हेक्टेयर का मान कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बता रहे हैं लोग, ये ऑप्शन नहीं होगा, 10,000 वर्ग मीटर होता है। आप जान लीजिए 1 हेक्टेयर का मान होता है 10,000 वर्ग मीटर, ये इसका जवाब होगा, 10,000 वर्ग मीटर होगा, बिल्कुल 10,000 होता है सर, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। जल्दी चलते हैं आगे, पूछा कि 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है, क्वेश्चन दूसरा है, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है, जल्दी बताएं, जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया, 1 एकड़ में कितना बीघा मतलब कच्चा पूछा गया, रकबा कितना होगा। दूसरे का आंसर बताएं आप जल्दी से सब लोग, दूसरे का जल्दी से बताएं, दूसरे का आंसर क्या होगा, बिल्कुल दूसरे का आंसर आ गया, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। बहुत जबरदस्त, सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। जल्दी से, बहुत अच्छा, सी बता रहे हैं कुछ लोग, कच्चा बीघा पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, कच्चा बीघा सर यहाँ पूछा गया, अतुल सर कच्चा बीघा है, तो कच्चा बीघा मतलब होगा 5, यहाँ पे देखो सिंपल सा वर्ड दिखा गया, कच्चा बीघा कितना कहा गया, पक्का नहीं कच्चा, रकबा पूछा गया, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होगा, 5 बीघे होंगे, बिल्कुल ध्यान दे 5 बीघे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जो लोग 5 बता रहे हैं बिल्कुल सही, 5 बीघा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषय का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में किया गया, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन, 5 बीघा, वेरी गुड प्रवीण सर, पवन सर, अतुल सर, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, जिससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सोनू सर बिल्कुल, जल्दी से आगे आते हैं, भूमि सुधार का जो क्वेश्चन अगला आया है उसके बारे में बताएंगे, भूमि सुधार के बारे में जल्दी बताइए। भूमि सुधार से संबंधित विषयों को उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय में है, 5, अतुल सर बिल्कुल सही है, 5 आंसर होगा आपका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूमि सुधारों के संबंधित में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल जिसमें कहा गया है, तो इसमें पूछा गया कौन सी सूची का विषय है, तो देखिए आपको बता दें तीसरे का होगा, ए ऑप्शन राज सूची। देखिए 3 सूची है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें कौन सी सूची हो जाएगी, राज्य, क्योंकि भूमि सुधारों के बारे में किसका होगा, राज्य का फैसला होगा, तो 3 का होगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला चलते हैं फोर्थ में, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं किया गया, वेरी गुड पिंटू सर, विक्रम सर, पंकज सर, बिल्कुल अब बस बहुत हो गया, बिल्कुल सर, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आपका अगस्त के लास्ट में तो नहीं आना, आप तो सितंबर तक आने के चांसेस है, क्योंकि अगस्त में ही इसके बारे में पूरी चल रही तैयारियां, तो सितंबर तक आने के पूरे चांसेस हैं, यूपीएसआई और इसका लगभग लगभग साथ में ही आने वाला है, यूपीएसआई और इसका साथ में ही आने वाला है, इसलिए परेशान मत होइएगा बिल्कुल। जल्दी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से चकबंदी के अधीन क्या नहीं आता है, जल्दी फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चकबंदी के अधीन क्या नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चकबंदी के अधीन क्या नहीं आता, देखिए चकबंदी के अधीन क्या नहीं आता है, स्थायी चरागाह नहीं आता है, नहीं लिया जा सकता, बाघ को नहीं लिया जा सकता, शमशान कब्रिस्तान को नहीं लिया जा सकता, ये सब परमानेंट सेटलमेंट होते हैं, इनको आप वहां पर चकबंदी में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, ये सभी शमशान पे कोई जमीन थोड़ी ट्रांसफर कर पाएगा किसी को, जहां पर चारागाह है वहां भी किसी को चारागाह नहीं ट्रांसफर होगा, ना बाघ को ट्रांसफर कर सकते हैं,
आपके खेतों को ट्रांसफर किया जा सकता है, खलिहान को किया जा सकता है, घूर गड्ढे को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इन सभी, मतलब इसमें ऑप्शन होगा ये सभी, तो इसमें क्या होगा, ये सभी डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे, इन सभी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ध्यान दें, परमानेंट सेटलमेंट डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार, जल्दी से, बाकी अतुल त्रिपाठी सर डी ऑप्शन होगा, वेरी गुड, आके गुप्ता डी ऑप्शन, प्रवीण सर डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। भारत में संपत्ति का अधिकार है, पांचवा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, भारत में संपत्ति का अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? देखो, मौलिक अधिकार तो रहा नहीं क्योंकि उसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया 1978 में, मौलिक अधिकार नहीं रहा, सामाजिक अधिकार है नहीं, आर्थिक अधिकार है नहीं, बच्चा के लीगल राइट बना दिया गया था, मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया, किस आर्टिकल में है ये, 300A में इसका अंतर्गत है, किस, पहले पार्ट किस में था, पहले पार्ट 3 में था, अब किस पार्ट में है, अब है पार्ट 12 में, अब है भाग 12 में इसको रखा गया है, ठीक है, जल्दी ध्यान दे, भाग 12 में है, डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड, भाग 12 में रखा गया, ये विधिक अधिकार हो गया, ये लीगल राइट है, अभी कैसा राइट है, लीगल राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन डी सर, नेट स्लो है, कोई बात नहीं, फ्री स्टाइल टाइगर है आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सर, ध्यान देते हैं आगे, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछी गई बातें जल्दी बताएं, लीगल राइट है, वेरी गुड, लीगल राइट है, बहुत अच्छा। हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा सर, आज मैराथन है हिस्ट्री का, तो आज चंद्रमोहन सर आप जुड़िएगा यूपीएससी अड्डा 24/7 पर, वहां पर 2 घंटे लगातार हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, अड्डा 24/7 हिस्ट्री की क्लास वहीं पर होगी, जल्दी से आ सकते हैं, हिस्ट्री भी होगी, नेक्स्ट सेशन से हिस्ट्री आएगी, डोंट वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में संपत्ति का अधिकार तो हो गया, अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है, जल्दी से क्वेश्चन बताएं, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमि सुधार जो कार्यक्रम है सबसे अधिक सफलता मिली पश्चिम बंगाल में, यूपी ऑप्शन इसलिए दिया गया जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल यूपी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 का ए, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सेटलमेंट हुआ है यहाँ पर। और अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन के शौकीन हैं, आज ज्योग्राफी आप पीसीएस का कोई पेपर देना चाह रहे हैं या ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो आज 3 से 5 मैराथन क्लास है ज्योग्राफी की यूपीएससी अड्डा 24/7 पे, आप लोग वहां जुड़ सकते हैं, यूपीएससी अड्डा 24/7 पर, वहां पर आपकी मैराथन होगी, ज्योग्राफी की मैराथन, 2 घंटे की क्लास होगी, वहां पे 120 क्वेश्चंस कराए जाएंगे ज्योग्राफी के, अगर आप वहां पे आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पर 6 के बाद 7 पे आते हैं हम लोग, 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, मतलब चकबंदी का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल बता रहे हैं, डोंट वरी सर, धीरे धीरे बताएंगे, स्पीड कम करते हैं, राम प्यारी कुमार सर, बिल्कुल डोंट वरी, स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे कर दे रहे हैं, बताएं, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं, बिल्कुल सर आपका ध्यान रखा जाएगा, आपने जो कहा वो सर आंखों पे आपका आदेश, बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं, क्वेश्चन पूछा गया, विच इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटलमेंट, तो चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं, देखो उपखंड, अपखंडन लिखा हुआ, यहां पर एक वर्ड जोड़ेंगे अपखंडन, ये अपखंडन, इसका कंप्लीट वर्ड होगा अपखंडन रोकना, मतलब ये इसका तो उद्देश्य है, ये उद्देश्य अपखंडन को रोकना है, बिल्कुल दूर दूर टुकड़े जो होते हैं, दूसरा जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी उद्देश्य है, कृषकों को अलग अलग जमीन को एक जगह इकट्ठित करना, ये भी उद्देश्य है, बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट खेती, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं, खेती कराना चकबंदी का उद्देश्य नहीं होता है, 7वें नंबर समझे, खेती कराना चकबंदी का उद्देश्य, अपखंडन को रोकना, छोटे छोटे टुकड़े में बटना, छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना, ये सब चीज, अपखंडन मतलब जोड़ देना, उपखंड में छोटे टुकड़े, तो ये खेती कराना इसका उद्देश्य नहीं है, तो ये चीजें आपको दी गई, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, यही नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये उद्देश्य हमारा नहीं होता है, ठीक है, सी ऑप्शन, वेरी गुड, जल्दी से अतुल सर, वेरी गुड, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलते हैं आगे, गुड मॉर्निंग रचना मैम, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आगे आते हैं, भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी, मतलब जो लैंड रिफॉर्म की जो प्रणाली थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, क्वेश्चन पूछा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने शुरू की थी, तो क्वेश्चन पूछा गया, सर आपका क्लास कितने से कितने बजे तक चलता है, मेरा क्लास दोपहर में 11 बजे चलता है सर, दोपहर में आपका 10 से 11 के बीच में चलेगा, 10 to 11, 10 से 11 के बीच में, चलिए जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछा था किसने शुरू की थी, आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये थे थॉमस मुंडो, मतलब इसको इनका दूसरा नाम थॉमस मुंडो भी कहते हैं, इनको थॉमस मुंडो भी कहते हैं, थॉमस मुंडो इनका नाम था, इन्होंने शुरू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने शुरू किया था, इनका नाम कहीं कहीं थॉमस मुंडो भी मिलेगा, ठीक है, तो इनको नाम कहेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था
इन्होंने शुरू की थी इंडिया में। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, जो ना है मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कंफर्म करके आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूमापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछा गया, भूमापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपको, मैं इसमें 60 क्वेश्चन से ज्यादा 25-20 क्वेश्चन कराऊंगा। रचना में बता दें, आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल आवाज क्लियर कर देते हैं, डोंट वरी, आवाज में क्लियर कर देता हूं, आप परेशान ना होइए। सर हिंदी का क्लास कब है? हिंदी का क्लास सर 3 से 5 में होता है, शाम को 3 से 5 में आज क्लास होगी, रोज होती है, आप शेड्यूल। अगर आप लोगों को हिंदी की क्लास करनी, 9-7 सर मैं बता दूं, हिंदी की क्लासेज जो परमानेंट होती हैं वो आप जाएंगे यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल को, जो अड्डा का ही चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी की रेगुलर क्लासेज होती हैं, जो लेखपाल के लिए भी होती हैं और आर ओ ए आर ओ के लिए भी होती हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास होगी। सर कितने क्लास का टाइम क्या है प्लीज़? तो क्लास का टाइम मेरा 11, आज मैं 3 से 5 पढ़ाऊंगा यूपीएससी अड्डा पर, मेरा जो टाइम है 3 से 5 यूपीएससी अड्डा पर मेरा टाइम है ज्योग्राफी का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, बता दूं, हेक्टेयर, बिल्कुल सही बताया जिन लोगों ने बताया, 9 का आंसर होगा हेक्टेयर, ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, हेक्टेयर बता के आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूछा कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दें। भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताएं किसका प्रयोग किया जाता है, दस भारत पारंपरिक तौर पर किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका, कई एग्जाम में पूछा गया। सर खुल के बोलो साफ साफ, सर बिल्कुल खुली के बोल रहे हैं, बिल्कुल खुल के साफ साफ बोल रहे हैं पवन पाटीदार सर, खुल के ये बोलना है कि पूछा गया पारंपरिक तौर पर किसका प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए इसको। खुल के बोलने का मतलब आपको बता रहा हूँ मैं कि आपका जो क्लासेस होगा, मेरा रेगुलर क्लास जो आपको अगर अटेंड करना होता है, जो कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो अड्डा 24/7 जहाँ पे हाई लेवल जीएसजी के पढ़ाई जाती है, जहाँ पर आप स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं और लेखपाल की भी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे ये क्लासेस चलती रहती है, हिंदी की क्लास, जीएस की क्लास, रेगुलर क्लासेस चलती रहती। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर भी आपकी क्लास रेगुलर चलती रहती है, यहाँ पर भी जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर आ सकते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, 10 का डी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए पारंपरिक तौर पर पूछा गया क्षेत्रफल के मापन है, क्षेत्रफल के मापन की सबसे पुरानी इकाई है जरीब, जरीब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर इकाई है जिसके बारे में पूछा गया, जरीब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, जरीब बोलेंगे, ए ऑप्शन सही होगा। जितने लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं, विघ्नेश सर बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपने 24 लोगों को ऐड कर दिया, बहुत जबरदस्त सर, आपको थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन पूछा गया जमींदारी का प्रथक आरंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में हटाया भी गया ये, तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, जल्दी से बताएं। जमींदारी प्रथा जो थी, मैथ का किस टाइम चलता है? सर वहां पर सारा दिन क्लासेस चलती रहती हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नसरुद्दीन सिंह सर आपको सब पता चलता रहेगा। हाँ जल्दी बताएं, जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो जल्दी बता दें, जमींदारी प्रथा जो इंडिया में लेकर आए थे, लॉर्ड कार्नवालिस लेकर आए थे, ये जमींदारी प्रथा को शुरू करने वाले थे। ठीक है, बाद में जमींदारी प्रथा हटा दी गई, लेकिन शुरू किया था इन्होंने, तो लॉर्ड कार्नवालिस थे, इन्होंने जमींदारी प्रथा इंडिया में क्या की थी, स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी देखा रैयत वाड़ी किसने शुरू की थी, टॉमस मुंडो ने की थी, जमींदारी किसने शुरू की, लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत में भूमि सुधार में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, मतलब जब आपका लैंड रिफॉर्म हुआ तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या उठाया गया, जल्दी से सेशन को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो पूछा गया सबसे पहले क्या लागू किया गया, जब आपका लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया वो किस चीज का लिया गया, तो लैंड रिफॉर्म का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, तो इसको पूछा गया लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार सब भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे क्वेश्चन आता है किसने शुरू किया। ठीक है, अब देखते ध्यान से आगे,
तो पूछा गया क्वेश्चन से यहाँ पर जमींदारी में सबसे पहले भूमि सुधार, तो इसके लिए लैंड सबसे पहले जमींदारी प्रथा को हटाया गया क्योंकि इसमें एक इंसान के पास सारी लैंड फॉर्म रहती थी, लैंड का इक्वेशन रहता था जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, क्योंकि वही सारी लैंड रिफॉर्म का रेवेन्यू वसूल कर आपके अंग्रेजों को पहुंचाता था। सबसे पहले क्या हटाया गया, जब देश आजाद हुआ सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, सबसे पहले क्या हुआ जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया, ठीक है, जमींदारी प्रथा को रिफॉर्म किया गया, दैट इज जमींदारी का उन्मूलन हुआ। अभिषेक सर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन होगा, वेरी गुड, सी ऑप्शन होगा। आशु सर सी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है, जो नापन मापन की इकाई होती है, सबसे पहले सबसे लंबी इकाई जो 66 किसकी फीट होती है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस चेन की इकाई 66 फीट होती है, क्वेश्चन पूछा गया 66 फीट मतलब 66 फीट किसकी इकाई होती है, ये क्वेश्चन है आपका पूछा गया, 66 फीट किसकी इकाई होती है, वो क्वेश्चन आया 66 फीट किसकी इकाई होगी, ये क्वेश्चन आपसे जल्दी बताएं, टेंथ का 13 का बताइए क्या होगा, 13 का क्वेश्चन पूछा गया क्या होगा, 13 में क्वेश्चन आया क्या होता है, तो 13 में क्वेश्चन पूछा इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन, गटर चेन या मीटर चेन, इसको गंटर चेन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गंटर चेन, तो गंटर चेन भी बोलते हैं, किस 66 फीट ऊंचाई लंबाई किसकी होगी, जल्दी से इसको बताएं, आगे शेयर करेंगे तो होगा 66 फीट होगी, सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी, क्या होगा सी ऑप्शन होगा, गंटर चेन की लंबाई जो होती है वो 66 फीट होती है, एक जैसे आपका लट्ठा होता है, लट्ठा नापने के लिए होता है ना, तो लट्ठा भी होता है इंच में वो नापा जाता है, तो इसलिए जो चेन होती है, एक चेन होती है फिट में होती है, तो सबसे लंबी चेन जो गंटर चेन होती है वो 66 फीट की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक बिसुआ कितने के बराबर होता है, जल्दी से क्वेश्चन करें इसको, सेशन को आपने कोई पेपर क्लियर किया है सर कभी SSC बैंक का, आपको बता दें ओजस सर, मैंने पेपर क्लियर SSC बैंक में नहीं देता हूँ, मैं UPSC देता हूँ, और UPSC के एग्जाम जो देता हूँ CDS देता हूँ, CAPF दिया है मैंने, और आपका सिविल सर्विसेज दिया है मैंने, इन सभी एग्जाम को रिटर्न क्वालिफाई करने का जो मेरा तजुर्बा है वो लगभग ऐसा है कुछ, और UPPSC जो क्लियर करने का जो तजुर्बा है वो आपका PCS करने का था आपका 3 बार, और RO ARO करने का है तरीका 2 बार, कितने एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है सर, ठीक है, तो आप लिखें आगे, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया एक बिस्वा कितने बिस्वांशी के बराबर होता है, क्वेश्चन पूछा गया किसके बराबर होगा, तो 20 बिस्वांशी के बराबर होता है, एक बिस्वा किसके बराबर होगा, 20 बिस्वांशी के बराबर होता है, ठीक है, ये 20 बिस्वांशी के बराबर होगा, ये एक बिस्वा, ये आपसे पूछा जाता है, ये 20 बिस्वांशी के बराबर होगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया हुआ है, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपसे यहाँ पे पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन आप जानते भी होंगे इसका कोई आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल सा, बहुत बार आप देख चुके हैं इस आंसर को, क्वेश्चन को जल्दी बताएं, ठीक है, तो यहां पर ओजस सर आपको जवाब मिल गया होगा आई होप सो। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है, बिल्कुल, तो भूमि सुधार से संबंधित कौन कौन से हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित, तो सिंपल पूछा गया भूदान, चिपको, ANB और कोई नहीं, तो आप देखिए भूदान था जिसमें जो लैंड फॉर्म, जिनके लैंड फॉर्म नहीं थे मतलब जो भूमिहीन थे उनको कुछ जमीन देने का इसमें प्रावधान था, तो भूमि और चिपका आंदोलन पेड़ों से था, वनों को काटने से संबंधित था, उत्तराखंड में था ये, तो ये चिपको आंदोलन भूमि सुधार से नहीं था, ये केवल आपके वन संबंधित था, तो इसमें क्या होगा भूदान आंदोलन, इसमें कैंसर क्या होगा। यूपी लेखपाल की जो सर क्लासेस चलती है दीपक भारद्वाज सर, वो चैनल है आपका UPSC अड्डा 24/7, वहां पर शाम को क्लासेस चलती हैं 5 से 7 के बीच में, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, 2 घंटे क्लासेस चलती हैं लेखपाल की, तो लेखपाल के अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस शाम को चलती 5 से 7 PM पर, आप यहां जुड़ सकते हैं UPSC अड्डा 24/7 पर, ठीक है, आगे चलते हैं भूदान आंदोलन के बारे में, अगला हो गया, अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे बाद मतलब सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट शुरू हुई है, सबसे बाद का मतलब जो लेटेस्ट है, कौन सी योजना सबसे लेटेस्ट अभी जल्दी शुरू की, मतलब सबसे आखिरी में, सबसे नया टाइम पीरियड किसका है, तो देखिए लघु कृषक किसान विकास योजना, ये तो बहुत पहले चलाई गई थी, लघु कृषक जो विकास योजना, ये सबसे पहले चलाई गई थी, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले कौन चलाई गई, देखिए इन सबका टाइम पीरियड मोदी सरकार जी से पहले से, आप सिंपल जान लीजिए, ये सब जो है मोदी गवर्नमेंट जो आई है आपकी, BJP गवर्नमेंट जो है उससे पहले की योजनाएं हैं, तीनों कांग्रेस गवर्नमेंट की,
10 साल में सबसे जो अभी लेटेस्ट योजना इन सब में है वो है आदर्श किसान सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें हर एक सांसद को 5 गांव गोद लेने थे और उनको सुधारना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये क्वेश्चन सबसे लेटेस्ट जो योजना है यही चलाएगी, जिसमें आपको हर एक सांसद को 1 साल में एक गाँव को गोद लेना है और उसको सुधार करना है उसमें अपने क्षेत्र पे। ठीक है, एयर मापन की इकाई, एयर मतलब ऐसे एकड़ वाला एयर होता है, एरी जिसे बोलते हैं, एयर ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला एयर, हवा वाली एयर नहीं, एयर है, मापन की इकाई है। इसे किसके मापन हेतु तो प्रयोग करते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल किसके लिए, तो ये जो इकाई है उसको। तो गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आजमगढ़ से आपका स्वागत है सर, आप जल्दी बताएं। गुड मॉर्निंग, जल्दी पूछा कि 17 का आंसर क्या होगा, 17 नंबर में पूछा कि लंबाई का है, क्षेत्रफल का है, घनत्व का है, आयतन का है। आई होप सबका, आप जानते होंगे लंबाई में लंबाई नापते, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और घनत्व में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो आयतन भी वॉल्यूम भी नापते होंगे। तो ऐसे चीजें आप डेंसिटी मापते हैं, ये सब चीजें नापते हैं इसको, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या नापते हैं, एयर से क्या नापेंगे, एयर से मापन करेंगे क्षेत्रफल का, एरिया मापते हैं इससे, किससे, एयर से एरिया मापा जाता है जब आप कोई चीज की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि आशा किससे संबंधित है, आपने गाँव में देखा होगा ना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जिसका नाम हो फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, मतलब आशा बहु, जिसको बहुत लोग फेमस जानते हैं आशा बहु, ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से, जिला प्रभारी होती हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, जल्दी जवाब दीजिए इसका क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, 18 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं 18 का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये क्या होती हैं, ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, क्योंकि देखिए यहाँ सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्रीडेटेड होता है, एक्रीडेटेड डेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज होती हैं ये, तो इसके बारे में तो पूछा कि सोशल हेल्थ मतलब सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दैट इज डी ऑप्शन होगा इसका, इसका जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे आते हैं 19 पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है, जबरदस्त जवाब इसका होना चाहिए, पहली कड़ी कौन है, मतलब इसकी पहली कड़ी कौन है, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन, आशा बहु या बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो देखें आपकी पहली कड़ी पूछा गया, सबसे बेसिक लेवल पूछा गया, ग्रास रूट पूछा गया, मतलब सबसे मूलभूत स्तर पर पूछा गया है, तो मूलभूत स्तर पे अगर पूछा जाए यहाँ पे जवाब, तो मूलभूत स्तर का जवाब होगा कौन होगा, आशा बहु, ये सबसे छोटे लेवल पे काम करती हैं, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे जाएंगी और वहां पे चीजों का जवाब देती हैं, और बच्चों को पंजीकरण कराना, जो गर्भवती महिलाएं उनका रजिस्ट्रेशन कराना, टीकाकरण करवाना, कोई बीमार है तो उसको अस्पताल तक ले जाना, सारा काम आशा बहु का होता है। या आजकल कोरोना में सबसे पहले पॉइंट आउट यही करती, गाँव से रिपोर्ट भेजती, कोरोना हमारे गाँव में हो चुका है, तो कोरोना का रिपोर्ट देना भी इन्हीं का काम है। ठीक है, 20वां नंबर आ गया क्वेश्चन, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल किस व्यवस्था पर भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था, मतलब संयुक्त रूप से कौन सा ग्राम समुदाय पूरी कलेक्टिवली वहां पर मालिक होती थी, कौन सी व्यवस्था थी। अभी देखो हमने आपको दो बताई है, रैयतवाड़ी बता दी है, जमींदारी बता दी है, अब अगली प्रथा आपको पता चल गई महालवाड़ी, ये तीनों किससे संबंधित है, भूमि व्यवस्था से, ये आप तीनों व्यवस्थाएं किससे, लैंड रिफॉर्म से संबंधित हैं, ये सारी व्यवस्थाएं लैंड रिफॉर्म से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन लैंड रिफॉर्म नहीं, यही लैंड रिफॉर्म से है। अब पूछा गया किससे समुदाय किसका होता था, तो बता दें आपको महालवाड़ी, इसमें जमींदारी में तो केवल एक आदमी जमींदार होता था ना, वो पूरे गाँव की जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को दे आता था, जो अंग्रेज थे, तो जमींदार होता था जो गाँव के सबसे बड़े नंबरदार और जमींदार, दो लोग होते थे गाँव में, कुछ गाँव में भी मिलते होंगे नंबरदार, उसे नंबरदार बोलते हैं आजकल लोग, लेकिन वो नंबरदार होते थे, उनका नाम था नंबरदार, तो ये लोग होते थे जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक तरह लैंड रिफॉर्म के मालिक होते थे, जो जमीन पे कब्जा करके रखते थे और जिसके अपने हिसाब से जमीन देते थे, उनसे रेवेन्यू लेते थे टैक्स, तो जमींदारी नहीं होगा इसमें, इसमें महालवाड़ी होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा महालवाड़ी प्रथा, तो महालवाड़ी प्रथा में आपका ये जवाब होगा। ठीक है, इतना तक आपको मैंने करा दिया, दैट इज महालवाड़ी होगा, जिसमें लोग क्या करते थे, ग्राम समुदाय संयुक्त रूप से मालिक होता था जमीन का, ग्राम समुदाय संयुक्त रूप से जमीन का मालिक होता था,
और उसको रेवेन्यू पूरे गांव का रेवेन्यू एक डिसाइड होता था कि इस पूरे गांव का रेवेन्यू ये है। आपने शायद देखा होगा जो मूवी आई थी लगान, उसमें महालवाड़ी प्रथा को हटाया गया, पूरे गांव के रेवेन्यू को हटा दिया गया था, उस गांव के रेवेन्यू को हटा दिया गया था। बिल्कुल सामूहिक रूप से सब मालिक थे, इसने सभी ने मैच खेला और सभी ने उस व्यवस्था को हटा दिया, मतलब महालवाड़ी तरह उसको खत्म कर दिया। अब बात करते हैं, देखो अगला आपको बता दें, अगर आप यूपीपीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, 2020 देना चाह रहे हैं, 2021 देना चाह रहे हैं, या यूपीपीएससी का आरओ इस बार आप दे रहे हैं 2016 वाला, तो जितने भी एग्जाम ये दे रहे हैं या यूपीएससी का आप कुछ एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आज जुड़ना ना भूलें। यूपीएससी अड्डा जो हमारा एक है, यूपीएससी अड्डा 24/7, वहां पर आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। 3 से 5 बजे के बीच में ज्योग्राफी की क्लास होगी, आप उस सेशन को जुड़ जाएंगे। वहां ज्योग्राफी के 2 घंटे लगातार क्लास कराई जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सर यूट्यूब पर, यूपी लेखपाल की टाइमिंग क्या है, 5 से 7। दीपक भारद्वाज सर देखो बता दूं, यूपी लेखपाल की जो टाइमिंग है यूट्यूब पर जो चैनल है यूपी लेखपाल वाला, उसका नाम है यूपीएससी अड्डा 24/7, ठीक। और इसकी टाइमिंग है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटे क्लास होती है, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप जुड़ के देख लेंगे कौन दिन कौन सब्जेक्ट होता है, फिक्स पैटर्न है, मंडे को जो होगा वो अगली बार मंडे को होगा, ऐसी व्यवस्था। हिंदी भी होती है यहाँ पर, यूपी जीके भी होता है, आपका पॉलिटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सब होता है यहाँ पर, ठीक है। 5 से 7 की टाइमिंग है यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। और अगर आप यूपीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्री मेंस को जो प्री दे रहे हैं, 2020 वाला जो देने वाले हैं, 2021 देने वाले हैं, या आप यूपीपीएससी का आरओ देने वाले हैं 2016 का, तो आप आज शाम को 3 से 5 जुड़ना ना भूलिएगा। वहां पर मैराथन क्लास हो रही है ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आज वहां पे होंगी, इसलिए आप जुड़ना मत भूलें। जबरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। ये टाइमिंग है, नोट कर लीजिए। सेशन को आप वहां पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल का नाम फिर से बता दूं एक बार, चैनल का नाम है यूपीएससी अड्डा 24/7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चैनल है जिस पर आपकी ये क्लास होगी, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसकी क्लास आज करवाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसलिए आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप यूपीपीएससी का और आपको कोई ऑफर चाहिए, कुछ चीज एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज का ब्रिलियंट ऑफर है, कोड यूज करना है Y257, जिसमें आप ले सकते हैं दूसरा। और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है, 5 सितंबर को टीचर्स डे पर हम लोग यूपीएससी का महामॉक कराने वाले हैं, जिसको कहते हैं महामॉक कराने वाले। तो आप लोग यहाँ रजिस्टर करके इसमें शामिल हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ही पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, मैं ही पढ़ाता हूँ। बच्चन चौहान सर, बब्बन चौहान सर, बिल्कुल सर। क्लास कितने बजे होगी सर, कल क्लास कितने बजे लगेगी? कल क्लास आपकी है 9 बजे, यहाँ पे लगेगी क्लास 9 बजे सुबह में, इसी चैनल पे होगी कल की क्लास, आप जान लीजिए 9 बजे यहाँ पे क्लास होगी। डोंट वरी, आप आ सकते हैं, यहाँ पर क्लास लगेगी कल। आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, जिस जिस क्लास की यहाँ पे क्लास होने होती है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब उसको लाइक से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल टिक कर लें, जैसे कोई क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, क्लास होना शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर जो लोग यूपीएससी की क्लास कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग यहाँ महामॉक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग यूपीपीएससी भी दे रहे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं यहाँ पर। 5 सितंबर को टीचर्स डे स्पेशल पे ये क्लास होगी, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने आपको। 10 से 12 टाइमिंग है महामॉक की, देख सकते हैं, टाइमिंग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, आज के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे जुड़े, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इतने लोग यहाँ पर आए। और आप हमको 3 से 5 जरूर मिलेंगे, कहाँ पर आप लोग 3 से 5 मुझे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे 3 से 5? 3 से 5 आप हमें मिलेंगे यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।